नीतू सिंह, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और आइए आज के तमाम बड़े खबरों पर नजर डालते हैं। वाराणसी जिले के चौबेपुर थाना अंतर्गत आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी का जन चौपाल है। इसी तरह का धौराहा ग्राम सभा में, भगवानपुर ग्राम सभा में, राजबारी ग्राम सभा में जन चौपाल हो रहा है, जिसमें अपने 5 साल के विकास कार्यों की चर्चा किया जाएगा, जहां जनता से आशीर्वाद मांगेंगे, जहां फिर एक बार चंदौली के सांसद होने का अभिलाषा रखेंगे, जहां क्षेत्र में लोगों में काफी उत्साह, अपने विकास पूर्व सांसद से अपनी बातों को रखने का लोगों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। वाराणसी से हमारे संवाददाता सोनू यादव की रिपोर्ट। चौबेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज का जिस तरह से कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी जन चौपाल लगाएंगे और जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। उन्होंने 5 साल में बहुत विकास किया है समाज का, क्षेत्र का, और जनता में काफ़ी उत्साह है कि वो अपने सांसद को चाहते हैं, अपनी बात नज़दीक से रखें। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी 12 बजते काही पिलाएंगे, 1 बजे और 2 बजे भगवानपुर, 4 बजे 5 बजे काही पिलाएंगे चौबे। और यहाँ से गठबंधन की बात की, गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। पत्रकार साहब आप बार बार चर्चा कर रही हैं, आपको फिर बताने गठबंधन का जनता और भारतीय जनता पार्टी का बना न कि गठबंधन सपा बसपा का। गठबंधन का कोई मतलब नहीं है और न ही गठबंधन की चर्चा करने का कोई विषय है। प्रधान जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जैसे आपने प्रश्न उठाया गठबंधन, गठबंधन तो पार्टियों ने किया है न कि वोटरों ने। बार बार एक पत्रकार कहते हैं गठबंधन गठबंधन, अरे वोटरों से आप पूछिए कि गठबंधन आपने कर रखा है कि पार्टी वोटरों का है, सबका मताधिकार है। और आज के परिवेश में जनता ने यह देख लिया है कि देश हित में काम कौन कर रहा है। आज इनका गठबंधन न कि देश हित के लिए है बल्कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए, जो उनकी दुकान दौरी बंद हो रही है उसको चालू रखने के लिए, भ्रष्टाचार का खेल चालू रखने के लिए उन्होंने गठबंधन किया है। न कि देश हित में किया है कि देश के लिए हम कुछ ऐसा करें। हर लोग, हर ग्रामीण या हर जनता, हिंदुस्तान की एक एक बच्चा यह जान रहा है कि कौन देश के लिए कर रहा है, और वोट देश के लिए पड़ेगा, न कि भ्रष्टाचार के लिए पड़ेगा, न उस गठबंधन के लिए पड़ेगा। यह हम आप पत्रकारों से कहेंगे कि आप अपने दिमाग से यह निकाल कर फेंक दीजिए कि गठबंधन का कोई इस चुनाव में फर्क है। कुशीनगर के कप्तानगंज में प्रधानमंत्री मोदी की भव्य जनसभा हुआ, जिसमें मोदी जी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि एक बार फिर बीजेपी को बहुमत से सरकार बनाइए, ताकि मैं क्षेत्र में बंद पड़े सुगर मिलों को चलवा सकूं और अन्य कार्यों को भी विकास कर सकूं। कुशीनगर से हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला बना रहेगा, लेकिन यहाँ पे लेते एक छोटा सा विराम। विराम के बाद पुनः आप सभी का फिर से स्वागत है। प्रयागराज में आज मतदान के द्वारा सेवा समिति विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। हमारे संवाददाता रानू सिंह से बात करते चुनाव अधिकारी, मीडिया से बात करते मालो राज चौधरी आम जनता। अच्छा, चुनाव के बारे में बताएं कि यहाँ पर आज पोलिंग मतदान हुआ है, ये कैसा रहा और कितना परसेंट वोट पड़ चुके हैं अब तक? शांतिपूर्ण मतदान रहा, लगभग 50% के आसपास हुआ होगा मतदान। यहाँ पर हम लोगों की कोशिश थी कि और ज़्यादा मतदान हो जाए, लेकिन कड़ी धूप की वजह से मतदान थोड़ा सा। यहाँ पे मतदाताओं को क्या क्या सुविधा मिली है? सभी सुविधाएँ मिली हैं, कोई असुविधा नहीं है। पानी सुविधा ये सब थी? हाँ, सभी सुविधाएँ हैं। और यहाँ पे लाइन लगा, बाहर धूप में लाइन लगाएं कि अंदर ही? नहीं नहीं अंदर ही, खूब अच्छे से लोग आए हैं, खूब बढ़िया से मतदान हुआ है। आपने भी मतदान किया है? जी, हमने
किया है जी। मतदान कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा, शांतिपूर्ण। बहुत कैसी सरकार इस बार बनाना चाहते हैं? हम तो केवल राष्ट्रहित में मोदी सरकार। मोदी सरकार जी। आपका नाम? पल्लव राय चौधरी। आप चुनाव आज पहली बार कर रहे हैं कि इसके पहले भी? पहली बार तो नहीं, इसके पहले किया है मैंने। और लेकिन आज मैं असल में लेट हो गया, सुबह से मैं थोड़ा व्यस्त था, लेकिन फिर भी वोट डालना था इसीलिए मैं आया, मतलब 6 बजे तक। वही मैंने सोचा कि आके तुरंत, पहले मैं बाहर था लेकिन काम खत्म करके तुरंत आया देने के लिए। कैसा लगा आज मतदान करके? बहुत अच्छा था, व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी है। आप कैसी सरकार चाहते हैं इस बार? सरकार ऐसा हो जो कि हम लोग यूथ यंग जनरेशन को जो मतलब आगे ले जा सके, हम लोग के लिए जॉब्स वगैरह के लिए, ये सब के लिए रहे। हालांकि मैं तो यही कहूँगा कि जो भी गवर्नमेंट आए, अच्छी गवर्नमेंट आए। थैंक यू। प्रयागराज में चुनावी संखनाद में लोग अपना अपना मतदान करने के लिए इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज में पहुंच रहे हैं, जहां मतदान करने आए हुए व्यक्तियों से वार्तालाप किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि केंद्र में मौजूद समस्याओं सुविधाओं के बारे में, और महिलाओं ने भी मतदान में भाग लिया। हमारे संवाददाता रानू सिंह से बात करते आम जनता। आज आपने आप लोग ने मतदान किया है जी? हाँ। ये कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पहली बार कर रहे हैं कि इसके पहले कर चुकी हैं? पहली बार कर रही हैं। आप बाहर रहने वाली हैं क्या? यहीं के रहने वाले, कभी आते नहीं थे। आप पहली बार कर रही हैं? मेरा दूसरा वोट है। दूसरा वोट, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी सरकार चाहती हैं आप? अरे जो भी सरकार है सब कुछ अच्छा करे। आइए भैया, आइए आप भी बोलिए, आइए अंदर में सब कुछ रखिए। अरे नहीं, आप आपका नाम? और क्या, हम सब स्टूडेंट हैं। आप क्या सरकार से क्या चाहते हैं? अच्छा सरकार चाहते हैं, अच्छा देश चाहते हैं, और क्या। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम वर्षा यादव। अब कहाँ के रहने वाली है? पूछ रहे सब, बताइएगा। हाँ मोदी जी, आप क्या क्या आपने वोट करके आए, कैसा लगा आपकी बात? अच्छा लगा, लेकिन जो आदमी है उनको लाइन लगी वोट करा दिया जाए, जो अपने आराम से घर चले जाए। और उसमें जवान आदमी है, लड़की का लड़की। यहाँ पर वोट देने आए हैं, यहाँ पे आपको क्या सुविधा मिली है? हमें सुविधा मिली है कुछ लोगों को, ऐसा है अगले पानी की सुविधा कुछ है यहाँ पे नहीं? पानी से बाहर। आपका नाम? कहाँ से है? प्रयागराज के कंडीगंज के पुरावर्दी मोहल्ले में सफाई को लेकर बहस हुई, जिसमें मोहल्ले के लोगों द्वारा बताया गया कि हमारे मोहल्ले में सफाई नहीं होती और जमादार से कहा जाता है तो जमादार कूड़ा उठाने के लिए पैसा मांगता है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता रानू सिंह की। आप मोहल्ले में क्या सिखाया जा रही है? मोहल्ले में गली कीचड़ में नाली साफ नहीं हो पाती है, जमादार आते हैं तो उनको पैसा दो तब सफाई हो, कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मोहल्ले में आपका क्या नाम है मोहल्ले का? जी पूरा बल्दी। पूरा बल्दी, वहाँ पे आपने क्या इसकी कंप्लेंट कहीं की है? आपने कंप्लेन किया जाता है, बताते रहे जो वहाँ सदस्य है या जो वहाँ के कर्मचारी जो मेन वो हेड होते हैं। कितनी बार पार्षद? तो जब वोट पाने बाद कोई पार्षद नहीं आता है। कितनी बार आप आ रहे हैं ये बताइए ना, पार्षद के उनके पुत्र आप आए ना? कितनी बार आप आए? अरे हम लोग कई बार गए हैं। एक बार आप मकान नंबर बताइए। किस मकान नंबर पे? पूरा बल्दी। मकान नंबर बताइए, पूरा बल्दी नंबर बताओ भैया। 223 चौक पूरा बल्दी जी। कहाँ पे? राजमहल्ला के बगल में। राजमहल्ला के पास में बंडानी बस्ती। सफाई यार बहुत अच्छी। जब तक जनता खुद से जागरूक नहीं होगी, एक बार सफाई होने के बाद दोबारा वहाँ कूड़ा फेंक दिया जाता है, ये सबसे गलत काम है। गोबर नाली में बहाया जाता है, ये सबसे गलत काम है। ये तरह के काम इस तरह के काम आपका नाम? बेटी लगे कूड़ा लगा की बेटी गायब है। रमेश जी क्या गोपाल जी के बेटे हैं। इस तरह के काम नहीं होना चाहिए। आप अगर वहाँ पे कूड़ा फेंकेंगे तो दोबारा कूड़ा कैसे उठेगा? आपका नाम? पैसा मांग रहा है तो वहाँ पे जाके आप कंप्लेन करी जाके। खबरों का सिलसिला लगातार ऐसे ही बना रहेगा, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।